सब्सक्राइब कीजिए एएस इन्फ्लुएंसर चैनल को और बेल आइकन को दबाइए इसी तरह की और टेक्निकल वीडियोस देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एएस इन्फ्लुएंसर। तो आज के लगभग 3 महीने पहले हमने हेडलाइट अपग्रेड की हुई थी अपने वेगनार कार में और उसे काफी अच्छा आप लोगों ने प्यार भी दिया। हमने उस हेडलाइट को 130-100 में अपग्रेड किया हुआ था जो कि इस कंपनी फिटेड इसमें 55-60 की बल्ब आती है। उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों के मन में आ रहे थे जिससे आप हमें डीएम करके पूछ रहे थे या फिर हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ रहे थे। आज उन्हीं सारे क्वेश्चन का मैं रिप्लाई देने के लिए इस वीडियो को बनाया हूँ। ये उसकी आप रिव्यू वीडियो समझ सकते हैं और इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। आपके इतने क्वेश्चन हैं उनका रिप्लाई मैंने लास्ट में वीडियो में दिया हुआ है जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो अब हम कार के पास आ चुके हैं। सबसे पहले आपको हम कार की हेडलाइट चेक कराते हैं जो हमने पहले इसमें इंस्टॉल की हुई थी। तो आप देख पा रहे होंगे इसकी राइट साइड की जो बल्ब है वो प्रॉपर तरीके से काम कर रही है, लेकिन इसकी जो लेफ्ट साइड की बल्ब है उसका हाई बीम काम करना बंद कर दिया है। लो बीम तो काम कर रहा है लेकिन जब हाई बीम को ऑन कर रहे हैं तो बल्ब ऑफ हो जा रही है, यानी कि इसकी लेफ्ट साइड की बल्ब खराब हो चुकी है। तो आज उस बल्ब को हम चेंज करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको हम लेफ्ट साइड की बल्ब को चेक करा देते हैं नजदीक से। आप देख पा रहे होंगे कि बल्ब अंदर से हल्की सी ब्लैक हो गई है जिसकी वजह से ये जलना बंद हो गई है। उसके साथ ही आपको रिफ्लेक्टर भी चेक करा देते हैं जिससे कि बहुत सारे क्वेश्चन आए थे रिफ्लेक्टर से रिलेटेड, उन सब का आंसर भी इसी वीडियो में आपको मिल जाए। अभी आप जो रिफ्लेक्टर देख रहे हैं वो लेफ्ट साइड का रिफ्लेक्टर है। आप देख सकते हैं रिफ्लेक्टर में अभी कोई भी प्रॉब्लम हमें फेस होती नहीं दिखी है। आप अच्छे से देख सकते हैं इस रिफ्लेक्टर को, अभी तक कोई भी प्रॉब्लम इस रिफ्लेक्टर में नहीं आई है। अब हम आपको राइट साइड का भी रिफ्लेक्टर चेक करा देते हैं। राइट साइड के भी रिफ्लेक्टर में अभी तक हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है। रिफ्लेक्टर जैसे बल्ब लगाने से पहले था वैसे ही है। और आपको भी मैं यही जानकारी देना चाहूंगा कि अगर आप कंपनी फिटेड रिफ्लेक्टर में हेडलाइट अपग्रेड करते हैं तब उसमें कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं होगी। अगर आप आफ्टर मार्केट रिफ्लेक्टर लगाए हैं अपने कार में और हेडलाइट अपग्रेड करते हैं तब वहां पे आपको प्रॉब्लम फेस हो सकती है। तो चलिए अब हम बल्ब को बाहर निकालते हैं। उसी के साथ आप रिले की भी फिटिंग चेक कर सकते हैं। रिले में भी हमें कोई प्रॉब्लम फेस होती नहीं दिखी है अभी तक। ये हमारा लेफ्ट साइड का होल्डर है जिसे हम बाहर निकाल रहे हैं। होल्डर में अभी तक कोई प्रॉब्लम हमें देखने को नहीं मिली है। जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि इस हेडलाइट अपग्रेड को हमने अपने घर पे ही किया है। अगर आप इसके हेडलाइट अपग्रेड की वीडियो देखना चाहते हैं तो उसको हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। अब हम आपको राइट साइड का भी होल्डर निकाल के दिखा देते हैं। राइट साइड के भी होल्डर हमें कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली है, किसी भी प्रकार की कोई भी शॉर्ट सर्किट भी देखने को नहीं मिली है। अब हम बल्ब को भी बाहर निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम लेफ्ट साइड की बल्ब निकाल रहे हैं जो हमारी खराब हुई है। बल्ब हल्का ब्लूइश और ब्लैक टाइप में हो गई है जिसकी वजह से काम करना बंद कर दिया। ये वही बल्ब है जिसे हमने इंस्टॉल किया था, आप चेक कर लीजिए 130-100 वाट की बल्ब थी ये। अब हम राइट साइड के बल्ब को बाहर निकाल लेते हैं और उसको भी आपको चेक करा देते हैं। राइट साइड की बल्ब में फिलहाल अभी तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं देखने को मिली है। ये हमारे नए बल्ब का बॉक्स है जिसको हमने अमेजोन से मंगाया है। अगर आप इस बल्ब को परचेज करना चाहते हैं तो इसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इसे परचेज कर सकते हैं। चलिए जल्दी से इसे हम बाहर निकाल लेते हैं। हम दोबारा से इसमें फिलिप्स की 130-100 बल्ब को लगा रहे हैं। बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन आ रहे होंगे फिलिप्स की वही बल्ब हम दोबारा से क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि फिलिप्स की 130-100 बल्ब में उतनी कंप्लेन नहीं है जितनी बाकी कंपनी के 130-100 बल्ब में कंप्लेन है। इसलिए हम फिर से फिलिप्स की 130-100 बल्ब को लगा रहे हैं। हो सकता है हमारे प्रोडक्ट में कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट रहा हो जिसकी वजह से वो खराब हो गया है। फिर से हम इस बल्ब को वापस फिलिप्स 130-100 की लगा रहे हैं। अगर फिर से कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसको हम आप लोगों के साथ जरूर शेयर करेंगे। तो चलिए जल्दी से अब इस बल्ब को हम इंस्टॉल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लेफ्ट साइड की बल्ब को इंस्टॉल कर रहे हैं। ये हमारी लेफ्ट साइड की बल्ब इंस्टॉल हो गई है। अब हम राइट साइड की बल्ब को इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉलेशन का पूरा प्रोसेस इस वीडियो में हम नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि इसके पहले जो हमने इंस्टॉलेशन की वीडियो बनाई है उसमें सारा प्रोसेस अच्छे से समझाया है। तो अगर इंस्टॉलेशन का प्रोसेस देखना है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आपने वीडियो को देख लिया होगा और आप समझ गए होंगे कि आपको अपग्रेड करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। काफी यार डाउट आप लोगों के मन में था कि उसका रिफ्लेक्टर खराब हो जाएगा, हालांकि उसका रिफ्लेक्टर अभी तक कोई भी प्रॉब्लम हमें देखने को नहीं मिली है। अगर आपका कंपनी फिटेड रिफ्लेक्टर है और आपने आफ्टर मार्केट रिफ्लेक्टर नहीं लगवाया अपने कार में तो मेरी उम्मीद है कि रिफ्लेक्टर में कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं देखने को मिलेगी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हमने फिलिप्स के ही बल्ब दोबारा से क्यों लगाई अपनी कार में, क्योंकि जो फिलिप्स की बल्ब है
उसमें बाकी बल्ब की कंपैरिजन में काफी कम कंप्लेन है। हो सकता है जो हमारा प्रोडक्ट हो सिर्फ उसी में ही कुछ मैन्युफैक्चर डिफेक्ट हो, इसलिए हमने फिर से फिलिप्स की बल्ब लगाई है। अगर फिर से अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम आप लोगों के साथ जरूर शेयर करेंगे। कुछ आप लोगों के डाउट्स थे उसको मैं क्लियर करना चाहूंगा यहाँ पे। जो पहला क्वेश्चन वो पूछा है अंकित पांडे ने, ये बोलते हैं नाइस वीडियो ब्रो, यू इंस्टॉल इन वेगनआर, कैन आई इंस्टॉल दिस हेडलाइट अपग्रेड इन माय न्यू स्विफ्ट एंड आल्टो 800 एलएक्सआई, व्हिच बल्ब इज बेटर। मैं इस डाउट को आपको क्लेरिफाई करना चाहूंगा कि अगर जिस भी कार में H4 बल्ब कंपेटिबल है उसमें आप इस बल्ब को लगा सकते हैं, लेकिन आपको इसके साथ रिले को जरूर लगाना पड़ेगा। और दूसरा क्वेश्चन है जिसको हमारे भाई ने अजहर ने पूछा है, ये पूछते हैं कि रिले के बगैर लगाने से लाइट ब्राइटनेस में कोई फर्क पड़ता है या नहीं। तो भाई रिले लगाने से लाइट ब्राइटनेस में कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर आप बिना रिले के लगाते हैं अपनी हेडलाइट अपग्रेड करते हैं तो आपकी वायरिंग मेल्ट हो सकती है, उसके जो होल्डर होता है वो भी मेल्ट हो सकता है। और हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है वो हमारे कंबोज भाई ने पूछा है, ये पूछते हैं भाई जी मेरे रिट्स में 190 की रिले लगी हुई है और ओसराम की 190 की बल्ब है, इसी रिले में 130 का बल्ब लगा सकता हूँ। तो इसका सीधा आंसर है भाई प्रिफरेबल नहीं है। अगर आप 130 100 वाट की बल्ब में अपग्रेड करते हैं तो उसके साथ ही आपको 130 100 वाट का रिले भी लगाना ही पड़ेगा। और ये हमारा चौथा और लास्ट क्वेश्चन है, हमारे आशु भाई ने पूछा है, ये पूछते हैं ब्रो वेगन आर LPG मॉडल में रिले लगाने से दिक्कत हो सकती है क्या। तो भाई रिले लगाने से कोई भी दिक्कत नहीं हो सकती, चाहे किसी भी कार में आप रिले के साथ बल्ब लगाएं कोई भी दिक्कत नहीं हो सकती है। तो आशा करते हैं आपके सारे क्वेश्चन का मैं आंसर दे पाया हूँगा। अगर कोई क्वेश्चन बाकी रह जाता है तो आप हमें DM करके इंस्टाग्राम ID पूछ सकते हैं, हमारी इंस्टाग्राम ID शो हो रही होगी, या फिर हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, वहां पे मैं आपके सारे क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करूंगा। तो अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो और पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दें और उसके बगल में आ रहे बेल आइकन को दबा दें, जिससे आने वाली नई वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।